उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में महिला की मौत। 3 वर्षीय मासूम अस्पताल में भर्ती। रोड पर भैंस बचाने में ट्रैक्टर से बाइक टकराने से हुआ हादसा। अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखकर लौट रहा था पीड़ित दंपति। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक शकीला उम्र 45 वर्ष का शव हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र में गांव भसेस्याना निवासी है। हादसे का शिकार दंपति बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में शेरपुर के पास हुआ हादसा। क्या मामला भैया? ये यहाँ से गुलावटी से गए थे। हमारी बाजी का लड़का हुआ था तो यहाँ से गुलावटी से जा रहे थे और ये तुम्हारा शेरपुर गाँव पड़ता है। यहाँ से जाने के बाद में उधर से क्या बोलते हैं इसे परतापुर से टैंकर आ रहा था और जैसे उसने क्या नाम है उसमें एकदम टक्कर मारी ना, पिछला साइड मारा तो जो टायर होता है ना पिछला वाला, तो सिर पे कर उतर के एकदम चला गया। जैसे हमने वो रोका, रोकने के बाद में वो भाग लिया। भागने के बाद में हमने थोड़ी से जाने के बाद में आगे पकड़ के वो हमने रोक लिया। रोकने के बाद में वो बोल लगा, नो मैं यहीं का हूँ, परतापुर का हूँ, कहीं डरने की बात नहीं है, आप चलो मेरे साथ। और वहाँ से हम बॉडी को इधर गुलाबी को ले आए। हम लाने के बाद में हमने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आ गई। एम्बुलेंस को फ़ोन करा था, बहुत देर से फ़ोन लगा रहे थे, वो फ़ोन पे आई नहीं एम्बुलेंस। दसियों दफे फ़ोन करा था हमने उनके पास, वो दावा फ़ोन कट कर रहे थे हमारे। हमने एक घंटे से ज़्यादा फ़ोन वेट देखा था। जब वो एम्बुलेंस नहीं आई पाई थी, हमने अपने बाइक पे ले आए थे ऐसे ही। कहाँ के रहने वाले हो? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।